दोस्तों अगर आप भी हैदराबाद की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबले में मनीष पांडे और डेविड वार्नर की जोड़ी ने एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको वीडियो में हम बताते हैं मनीष पांडे और डेविड वार्नर के उस कारनामे के बारे में, साथ ही बताएंगे इस मैच की फुल हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में आईपीएल का ये मुकाबला 14 अप्रैल को चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मैच का टॉस जीता था हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करी थी देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने। देवदत्त पडिक्कल ने शुरुआत में चौका लगाकर ये बता दिया कि आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मैच में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के मूड से मैदान में उतरी है। लेकिन अफसोस पडिक्कल अपनी शुरुआत को एक बड़ी पारी के रूप में तब्दील नहीं कर सके और 11 रन के स्कोर पर ही भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शहबाज नदीम को अपना कैच दे बैठे। इस बीच युवा बल्लेबाज शहबाज अहमद ने 14 रन के स्कोर पर नदीम की गेंद पर राशिद खान को अपना कैच दे दिया। लेकिन इस बीच विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर से क्रीज पर टिके हुए थे। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने गियर बदल कर अगले ही ओवर में शहबाज नदीम को बुरी तरह धूल चटा दी। उनके एक ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाकर इस ओवर को बेहद ही बड़ा ओवर बना दिया और अब आरसीबी की टीम ने पूरी तरह से गति पकड़ ली थी। और जिस तरह से मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे उनकी ये बल्लेबाजी देखकर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह से डर गए थे। लेकिन इनके साथ विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोल दिए थे और शहबाज नदीम के इस ओवर से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 22 रन बटोरे। इसके बाद बैंगलोर की टीम के बाद एक विकेट गिरते रहे और टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। 109 के स्कोर पर ही 6 विकेट गिर चुके थे और अंत में मैक्सवेल ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 59 रन बनाए, जिसके बाद बैंगलोर की टीम 149 रन बना पाई। वहीं गेंदबाजी में जैसन होल्डर ने 30 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि राशिद खान ने 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों 150 रनों का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। सलामी बल्लेबाज रुद्रिमान साह पहले ओवर में कोई भी रन नहीं बना सके और आरसीबी की टीम ने शुरुआत से ही हैदराबाद के ऊपर दबाव बना लिया था और जिसका फल उन्हें अगले ही ओवर में मिला। सिराज ने अपने दूसरे ही ओवर में रिद्धिमान साह को पॉइंट की तरफ ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे मनीष पांडे, जिन्होंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी। मनीष पांडे ने तो आते ही मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया था और इसके बाद डेविड वार्नर का बल्ला भी खूब बोला और सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई। इस बीच डेविड वार्नर भी काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और एक छक्का भी लगा दिया था। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मैच को एक तरफा बना दिया था। लेकिन इस बीच डेविड वार्नर अपना अर्धशतक बना के कैच आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जॉनी बेरस्तो ने अच्छी बल्लेबाजी की और मनीष पांडे की शानदार बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद की टीम इस मैच को जीतती हुई नजर आ रही। इसके बाद 17वां ओवर शहबाज अहमद लेकर आए थे, जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर इस मैच का रुख ही पलट दिया। इसके बाद हैदराबाद की टीम के ऊपर दबाव बन गया और अंतिम 2 ओवरों में टीम को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, जबकि राशिद खान ने एक ओवर में छक्का लगाकर 11 रन बटोर लिए थे और अंतिम ओवर में टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी, जबकि शुरुआती 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बन पाए थे। लेकिन तीसरी गेंद नो बॉल चली गई, जिसमें चौका लग गया। 4 गेंदों में अब 8 रनों की जरूरत। लेकिन अगली गेंद यानी कि चौथी गेंद पर राशिद खान भागकर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन वो रन आउट हो गए और उसके बाद तो हैदराबाद की टीम 6 रन से इस मुकाबले को हार गई। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल की गेंदबाजी की, जिन्होंने हारे हुए इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला दी। और आप दोनों की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।